प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी असम के शिवसागर जिले के जेरेंगा पठार में भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आदिवासी समुदायों को जमीनों का पट्टा देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असम की राजनीति में इस समुदाय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। असम की बीजेपी सरकार ने स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए नई भूमि नीति बनाई थी और इसी के तहत भूमिहीन लोगों को जमीन पर पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र देने का काम किया जा रहा है। असम में 2016 में 5.75 लाख भूमिहीन परिवार थे, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने मई 2016 से 2.28 लाख आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और अगली कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीनी पट्टा देने के अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, आजादी के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में असम में लोगों को जमीन के पट्टे वितरित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचेंगे। पीएम वहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा, जबकि एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी होगा। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री कोलकाता में ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और इसके साथ ही वो कई कलाकारों और सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों से भी बात करेंगे। पहली बार आयोजित हो रहे पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी नेताजी की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों और उनके परिवार का कोलकाता में सम्मान भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री कोलकाता से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है, वो भी पराक्रम दिवस जैसे दिन पर। कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। यूक्रेन के हार्किव से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक इमारत में आग लग गई और उसमें झुलसकर 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि इमारत में अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा था, जिसकी दूसरी मंजिल पर आग लग गई। खबर पाते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक आग इमारत के एक हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी। काफी देर तक फायर ब्रिगेड को भी समझ नहीं आया कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। कुछ कर्मचारी सीढ़ी की मदद से वहां तक पहुंच भी गए। आसपास के लोगों ने बताया कि वहां सिर्फ बुजुर्ग रहते थे जो चल फिर नहीं सकते थे। ऐसे में हादसे के बाद वहां से कोई निकल नहीं सका। И как бы, ну, вывели первый этаж, люди, соседи, кто... हादसे की सही वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन आशंका जताई गई कि इलेक्ट्रिक हीटर से निकली चिंगारी की वजह से आग फैली। Кто и для чего забрал этих людей в одном месте, зараз разбирается правоохранительные органы. इस हादसे में 5 लोगों को चोटें भी आईं, जिनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। ये घटना तब हुई जब इलाके में रहने वाले दीपक नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप उसके दोस्तों पर ही लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे नाराज घर वालों ने गाँव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। सड़क पर हंगामे की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाना शुरू किया, वो लोग भड़क गए और उन पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस के जवानों ने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। और तो और, पुलिस पर पथराव करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। दोस्तों द्वारा हत्या कर दी गई थी। शाम को कुछ उसके घर वाले और रिश्तेदार कुछ आक्रोशित थे, वो रोड पर आ गए थे। पुलिस को वहां से खदेड़ने के बाद वो लोग काफी देर तक सड़क पर बवाल करते रहे, हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया गया। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रक और एक ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें एक ट्रक हाईवे से गुजर रहे एक ऑटो को सामने से टक्कर मारकर घसीटता नजर आया, जबकि एक दूसरी गाड़ी जो ट्रक के पीछे थी वो भी ट्रक से टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो गई। बाद में आसपास के लोग वहां आ गए और घायलों की मदद में जुट गए। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले भी पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त ऑटो में करीब 20 यात्री थे। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बीजेपी के कई नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे, जबकि भारी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। अपने इस दौरे में गृहमंत्री असम के साथ मेघालय भी जाएंगे, वहां वो कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही गुवाहाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी एक योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत अर्धसैनिक बल के जवानों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें गुवाहाटी में गृह मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह असम में 2 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उनकी कैबिनेट के एक और कद्दावर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वन मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जब राजीव बनर्जी राजभवन से निकले तो वो भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। 4.5 साल तक कैबिनेट में रखने के लिए ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे वो, और तभी अचानक हाथ आंखें पहुंचने के लिए उठ गए। ताकि हमें प्रणाम जानिए फिर वो गाड़ी में बैठे तब भी रूमाल से आंख पहुंचते हुए ही दिखे। पिछले कई महीनों से राजीव बनर्जी कैबिनेट की बैठकों में भी नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी शुभेंदु की तरह पार्टी से अलग हो जाएंगे। सस्पेंस से पर्दा उस वक्त उठा जब उन्होंने पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर राज्यपाल से मिलकर उन्हें भी इस्तीफा दे दिया। तस्वीर में आपको यहाँ से राजभवन से दिखाऊं, अंदर गए हैं राजीव बनर्जी मंत्री, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है आज कई महीनों की नाराजगी के बाद। कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे और ये भी नाराजगी जता चुके थे कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन TMC ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार में कुछ गलत हो रहा था तो उसकी जिम्मेदारी 4.5 साल बाद इस्तीफा देने वालों की भी है। They remained in the party. They enjoyed the power till today. So whatever went wrong, they are also responsible to. राजीव बनर्जी ने वन मंत्री के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अभी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। बीजेपी में जाने से जुड़े सवालों पर भी राजीव बनर्जी खुलकर कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर चल रही उथल पुथल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, तो हावड़ा के बाली से विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी ने बाहर कर दिया है। उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था और अनुशासन समिति की बैठक के बाद उनको पार्टी से निकालने का फैसला किया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद वैशाली डालमिया ने News18 से बात की और जनता के लिए काम करते रहने का दावा किया। I have always been with the people and I have come to politics and I have joined politics only for the benefit of the people. I have come here to work with the people and to be by the side of the people. I am there. So my motto to join politics is to do good for the people, and that I am doing and I'll do in the future. I have specified a number of times that there are people who are trying to malign the party. So those people, termites have to be, you know, taken care of. I have named few ex-councillors who, I have not named any of the leaders. I have named some ex-councillors who are trying to malign the party by taking cut money, by doing illegal construction, by duping the people. वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाले जाने की खबर मिलते ही हावड़ा में TMC के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और जमकर जश्न मनाया। इन लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की, नाच गाने के साथ साथ मिठाइयां भी बांटी। पार्टी का झंडा हाथ में लिए ये लोग काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, जबकि एक आदमी तो ढोल बजाकर पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता नजर आया। पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रतो बख्शी ने जो डिसीजन किया है उससे बाली तृणमूल कांग्रेस में खुशी का लहर है, एवं बाली तृणमूल कांग्रेस इसीलिए जितने भी कर्मी हैं 195 बूथ पे जितने कर्मी हैं सब रास्ता पे उतर के खुशी का इजहार कर रहे हैं, एवं ये खुशी से बता रहे हैं ममता बनर्जी को कि 2021 में भी बाली विधानसभा में ममता बनर्जी ही जीतेगी।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पिछले साल अक्टूबर में सिविल सेवा की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसे कोरोना संकट की वजह से कई ऐसे उम्मीदवार नहीं दे पाए थे जिनका ये परीक्षा देने का आखिरी मौका था। उन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार से परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की थी। उनकी याचिका के जवाब में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 जनवरी तय की। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आज से 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। आज सुबह करीब 10:30 बजे वो कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अलग अलग इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए वो तिरुप्पुर पहुंचेंगे और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से बातचीत करेंगे। 26 जनवरी की परेड में पहली बार अयोध्या के राम मंदिर और कोरोना योद्धाओं की झांकियां भी शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सभी राज्यों की झांकियां तैयार हो चुकी हैं और राजपथ पर परेड की रिहर्सल भी कर चुकी हैं। इन झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर बनाई गई है। खास बात यह कि इस झांकी में राम मंदिर का हूबहू मॉडल भी बनाया गया है। 26 जनवरी को जो राजपथ पे परेड होने वाला है उसमें अलग अलग राज्यों की झांकी आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी उसका थीम जो है वो अयोध्या है। 26 जनवरी को जब राजपथ से राम मंदिर की झांकी गुजरेगी तो साधु संतों के वेश में कई कलाकार भी उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर जो है, जो हमारे रामलला इतने दिनों से तंबू में थे, अब उनके लिए जो भव्य मंदिर बना रहे हैं वही हम राजपथ पे दिखा रहे हैं। यूपी की झांकी के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोरोना योद्धाओं वाली झांकी भी पहली बार परेड का हिस्सा बनेगी। इस झांकी में कई कलाकारों को कोरोना योद्धाओं के रूप में दिखाया जाएगा, साथ ही कोरोना संकट में उनके योगदान को बताने की कोशिश भी राजपथ से की जाएगी। झांकी में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं वैक्सीन प्रोडक्शन की पूर्ण क्षमता है। इसके अलावा कई राज्यों ने अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां तैयार की हैं जो 26 जनवरी को राजपथ की परेड का हिस्सा बनेंगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी के बीच एक नाव में भीषण आग लग गई। बताया गया कि नाव में सवार मछुआरे उसमें डीजल भर रहे थे जो फर्श पर गिर गया और उसने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो पूरी तरह लपटों में घिर गई। इस बीच उसमें एक तेज धमाका भी हुआ जिससे उसका मलबा उड़कर दूर जा गिरा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में पानी में खड़ी नाव आग का गोला बनी नजर आई। उस पर 3 लोग सवार थे जो किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए, हालांकि उसमें एक मछुआरा बुरी तरह से झुलस गया। आपको बता दें बाद में दमकल की गाड़ी वहां पहुंची जिसने थोड़ी देर में इस आग पर काबू पा लिया। खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत उन नेताओं पर खूब बरसे जिन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी आलाकमान पर सवाल उठाए थे। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि CWC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन लोगों को खरी खरी सुना दी जिन्होंने चिट्ठी के जरिए संगठन के चुनाव जल्द कराने की मांग की थी। यही नहीं, खबर आई कि उन्होंने गुस्से में आकर उन नेताओं से सवाल पूछा कि क्या उन्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। साथ ही बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं पर भड़के अशोक गहलोत इस बात पर भी नाराज हुए कि वो देश और पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद CWC की बैठक में गहमा गहमी चलती रही। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने दखल दिया और फैसला हुआ कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष जून तक चुन लिया जाएगा। इससे पहले ये चुनाव मई में होना था लेकिन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से इसे टाल दिया गया, यानी कि अब राहुल गांधी की ताजपोशी जून में होगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढाबे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हिस्ट्री शीटरों, तस्करों और भू माफिया के अवैध ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में बुरहानपुर में प्रशासन की टीम ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मौजूद रॉकी और दिल्ली हैदराबाद नाम के 2 अवैध ढाबों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। उतावली नदी के पास मौजूद ये दोनों ढाबे करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब इन ढाबों को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीन से इन्हें ढहा दिया। बताया गया कि रॉकी ढाबा सोहेल और बिलाल नाम के ड्रग्स तस्करों का है जिन्हें पुलिस ने कुछ रोज पहले ही गिरफ्तार किया था।
दूसरा ढाबा मदीना डेयरी से जुड़े लोगों का बताया जा रहा है, जिसे एक आदमी 6000 रुपए महीना किराया देकर चला रहा था। समंदर के अंदर रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता का इतना ताकतवर भूकंप उठा कि फिलीपींस बुरी तरह दहल गया। वो तो शुक्रवार की भूकंप का केंद्र कई किलोमीटर की गहराई में था, नहीं तो फिलीपींस को भूकंप के साथ साथ सुनामी के डबल अटैक से कोई नहीं बचा पाता। इसलिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि इतने खतरनाक भूकंप के बावजूद वहां जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहां के मिंदनाओ आइलैंड में एक रात पहले जब दिन खत्म होने के बाद लोग सुकून से सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी जलजले ने उनकी नींद उड़ा दी। घरों में रखा सामान हिलने लगा, लाइटें, झूमर, गमले सब कुछ कांपने लगा। डर के मारे लोग घरों से भाग खड़े हुए, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर आ गए। लेकिन भूकंप के झटकों ने सड़क पर उनका पीछा थोड़ा ही छोड़ देना था, वहाँ तो मंजर और डरावना था। बिजली की तारें हिलती नजर आईं। सामने आई एक तस्वीर में तो एक बिजली के खंभे में धमाका भी होता दिखा। वहीं एक वीडियो में तो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का खंभा ऐसे डोलता नजर आया जिसे देखकर लगा कि कहीं वो सड़क पर खड़े लोगों पर ही न गिर पड़े। फिलीपींस के पड़ोसी देश इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों को उकसाने वाला बयान दे डाला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलन पर बैठे किसानों को उकसाने वाला बयान देते हुए ऐलान किया कि आंदोलन पर बैठे किसान के शहीद होने पर उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी देंगे। मैं आज ऐलान कर दें कि हर जेड़ा किसान उठे शहीद होता है इस आंदोलन दे विच, ओदे एक बच्चे नूं असीं नौकरी देवांगे। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अगले आदेश तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। दिल्ली के उत्तम नगर में बीती रात एक ऑटोमोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल की 18 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। मैंने मांग रखी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने के बाद राबड़ी देवी, उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आनंद फानंद में पटना से रांची उनसे मिलने पहुंच गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक अधेड़ को लड़की से छेड़छाड़ करना इतना महंगा पड़ा कि लड़की ने आरोपी की बीच सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा की बेटी के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेली कॉलेज के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों ने कोरोना काल के दौरान देवी अहिल्याबाई होलकर पर फिल्म बना डाली। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी जल्द रिलीज की जाएगी। यूपी के बलिया में पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले दो तस्करों को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए मार्च में भारत को एक और वैक्सीन मिल सकती है। news18.com की रिपोर्ट है कि मार्च में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में मंजूरी मिल सकती है, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत करीब 730 रुपये होगी। कोरोना की इस वैक्सीन के भारत में पहले और दूसरे चरण के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और दावा है कि इन दोनों चरणों में इस टीके के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। भारत ने रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की बुकिंग भी कर दी है और अगर ये टीका सभी चरणों में खरा उतरा तो इसे भारत में बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक रहस्यमय बीमारी से 14 लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर मरीजों में अचानक चक्कर आने और बेहोश होने की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और जैसे ही जानकारी जिला प्रशासन को मिली फौरन वहां डॉक्टरों की कुछ टीमें तैनात कर दी गई। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव भी डॉक्टरों की कुछ टीमों के साथ उस गाँव के लिए रवाना हो गए। कर्नाटक का शिवमोगा जिला बीती रात तेज धमाके से दहल उठा। बताया गया कि एक ट्रक में रखे विस्फोटक में यह धमाका हुआ, जिसने 5 लोगों की जान ले ली और इलाके के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। यह धमाका वहां शहर से थोड़ी दूरी पर पत्थरों की खदानों के पास हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।
बताया गया कि जिस ट्रक में धमाका हुआ उसमें भारी मात्रा में डायनामाइट भरा हुआ था। ऐसी आशंका भी जताई गई कि अवैध तरीके से चल रही कुछ खदानों के लिए इतना विस्फोटक वहां जमा किया गया था। वी आर गोइंग टू लुक इन टू ऑल एस्पेक्ट्स वेदर इट इज लीगल इललीगल वेदर देयर इज अ लैप्स। हादसे के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सुबह के वक्त पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की टीम वहां पहुंची। कर्नाटक सरकार ने इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया और कर्नाटक सरकार को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। अमेरिकी संसद की सुरक्षा के लिए बुलाए गए सैनिकों को पार्किंग में सुलाने पर सरकार की फजीहत शुरू हो गई। जो बाइडेन के शपथ समारोह के लिए 25,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन जैसे ही समारोह खत्म हुआ इन जवानों को संसद परिसर खाली करने का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद इन जवानों को वहां की एक पार्किंग में रहने की जगह दी गई। सामने आए वीडियो में ये सैनिक पार्किंग के फर्श पर बिना किसी बिस्तर के लेटे नजर आए। बताया गया कि इस पार्किंग में करीब 5,000 जवानों को ठहराया गया था। बुरे हाल में रह रहे जवानों का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सरकार पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। कई लोग तो इन जवानों के पास खाना लेकर पहुंचने लगे, तो कईयों ने इन्हें अपने घर और दफ्तर में रुकने की पेशकश भी की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने का ट्वीट करने पर घिर गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि खमेनी ने ट्विटर पर साफ लिखा कि सुलेमानी के कातिल और जिसने उनके कत्ल का हुक्म दिया उसे कीमत चुकानी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाले एक आदमी के गोल्फ खेलते हुए तस्वीर भी ट्वीट की, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लाल रंग से बदला लिखा था। ईरान के सर्वोच्च नेता के इस ट्वीट को लोगों ने ट्रंप के लिए हत्या की धमकी माना और ट्विटर से उनके अकाउंट पर पाबंदी लगाने की मांग की। असल में पिछले साल 3 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिकी हमले ने ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी उसमें मारे गए थे। तभी से ईरान बदले की आग में जल रहा है और उसके और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक बदमाश ने पुलिस को खूब छकाया। घटना तब हुई जब पुलिस ने कौशी नदी में अवैध खनन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद ज्यादातर लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन एक ट्रैक्टर से वहां अवैध खनन का काम जारी रहा और जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उस पर सवार बदमाश ने उसे दौड़ा लिया। पकड़े जाने के डर से वो बदमाश नदी किनारे ट्रैक्टर को भगाता रहा और पुलिस की गाड़ी उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। इस बीच जब उसे ओवरटेक करने की कोशिश की गई तो उस बदमाश ने बड़ी चालाकी से ट्रैक्टर को नदी में उतार दिया। पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने भी ट्रैक्टर के पीछे पीछे गाड़ी नदी में दौड़ा दी। नदी से निकलकर एक बार फिर पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो उन्हें छकाता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए उसने ट्रैक्टर को इस बार गहरे पानी में उतार दिया, जिसे देखकर पुलिस वालों ने किनारे पर अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके बाद वो बदमाश गहरे पानी से होते हुए उनकी आंखों के सामने से फरार हो गया। सिंगू बॉर्डर पर देर रात किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक संदिग्ध आदमी को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि आदमी किसान आंदोलन को बाधित करने की फिराक में था, लेकिन किसानों ने उसे पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही हरियाणा पुलिस के जवान वहां पहुंच गए और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को बाधित करने की कोशिश की गई। सिंगू बॉर्डर पर देर रात किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस चीज को लेकर और एक संदिग्ध आदमी को पकड़ने का दावा भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर एक संदिग्ध को पकड़ने का दावा किया गया। यह आदमी किसान आंदोलन को बाधित करने की फिराक में था, लेकिन किसानों ने इसे पकड़ लिया। और इस पूरी खबर पर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ जी, कौन था ये शख्स और क्या मंशा थी इसकी? अमिताभ जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जावेद मंसूरी के पास चलते हैं, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये शख्स कौन था और क्या मंशा थी इसकी? देखिए, अचानक हुआ ये कि रात 10:45 पर किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस पीसी में एक शख्स नकाब लगाकर पेश किया जाता है और वो दावा करता है कि एक SHO ने उसको पूरे किसान आंदोलन में प्लांट किया है और ऐसे
10 लोग हैं, एक पूरी टीम है जो किसान नेताओं को निशाने पर रख रही थी, किसान नेताओं को शूट करना चाहती थी, ऐसा उस शख्स ने दावा किया है। फिलहाल उस शख्स को पकड़ लिया गया है और खास बात यह है कि उस शख्स ने बताया कि ऐसे 50-60 आदमी हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में एक्टिव हैं। इनका मकसद ये था कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली किसान नेताओं की निकलनी है उसमें जो है किसान नेताओं को निशाने पर लेना था। परसों इसे किसान नेताओं ने पकड़ा है और कल मीटिंग के बाद देर रात इसको मीडिया के सामने लाया गया और वो सब चीजें इसने सामने रखी जो इसके साथ में जो इसने बताई गई। साथ ही कहा गया कि हथियार प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा इसका मकसद यही था कि किसान नेताओं को निशाने पर लिया जाए। फिलहाल ये जो शख्स है पुलिस की हिरासत में है और जो अहम बात है ये इस शख्स ने दावा किया है कि एक SHO का इसने नाम लिया है और कहा है कि उस SHO की कहने पर ही ये टीम यहाँ पर एक्टिव हुई है और इस पूरे प्रोटेस्ट को जो इसमें आंदोलन है इसमें खलल डालने की कोशिश कर रही थी। जी शुक्रिया जावेद। महाराष्ट्र के नासिक से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई जहां नासिक महानगर पालिका की एक इमारत में आग लग गई। यह आग बिल्डिंग में मौजूद शिवसेना के दफ्तर में लगी जिसके बाद दफ्तर के अंदर से धुएं का गुबार उठने लगा जो इमारत के चारों तरफ फैल गया। हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के अंदर बने बाकी दफ्तरों में मौजूद कर्मचारी भी भागकर बाहर गलियारों में जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जिस मंजिल पर आग लगी पुलिस ने उसके गलियारे को खाली करवा दिया ताकि आग बुझाने में कोई परेशानी न हो। काफी देर की कोशिश के बाद किसी तरह आग बुझा ली गई। हालांकि इस हादसे में दफ्तर के अंदर रखा फर्नीचर और काफी सामान जल गया। बताया गया कि वहां यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए 11 दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार और किसान नेताओं में बात हुई लेकिन किसी फैसले तक वो नहीं पहुंच सके। किसान लगातार सुधारों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं जबकि सरकार की तरफ से कृषि सुधार कानूनों पर 1.5 साल की रोक का प्रस्ताव दिया गया है लेकिन जब किसान नहीं माने तो सरकार ने भी कड़ा रुख दिखाया और किसानों को बहकाने का आरोप लगा दिया। सरकार की तरफ से इस बार साफ कर दिया गया कि 1.5 साल वाले प्रस्ताव पर किसानों के विचार करने के बाद ही आगे बातचीत संभव होगी। इससे पहले 10वें दौर की बातचीत में ही सरकार ने इन कृषि सुधार कानूनों पर 1.5 साल तक का रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों को दिया था और इस पर विचार करने के बाद ही 11वें दौर की बातचीत तय हुई थी लेकिन इस बार भी किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े रहे जिसके बाद सरकार ने भी किसानों को अपना रुख साफ किया। इस प्रस्ताव पर विचार के बाद ही आगे बातचीत की उम्मीद जताई। जब किसान यूनियन की तरफ से यह कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि हमारा ये से बेहतर प्रपोजल नहीं हो सकता, एक आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम और आप सलाह करके हमको बता दो, हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। रामायण का पाठ खत्म हो गया, हमें तो लास्ट था, हाँ पाठ था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया खत्म हो गया, 20 मिनट का खेल था। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको मिलकर
कोरोना वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।